पीडीएस के चावल की कालाबाजी पर मामला दर्ज। श्योपुर देहात पुलिस ने पीडीएस के चावल की कालाबाजारी करने पर संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि इन दिनों श्योपुर जिले में पीडीएस को 14,000 क्विंटल चावल का आवंटन किया जा रहा है, जहां गरीबों को बटने वाला चावल का सहकारी उपभोक्ता और उचित मूल्य की दुकान संचालकों की मदद से दलालों द्वारा जमकर कालाबाजारी की जा रही है। ऐसे में एक मामला देहात थाने में आया है, जहाँ भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य रामलखन नापा खेड़ली को सूचना मिली थी कि सोठवा गाँव से पीडीएस के चावल से भरी एक गाड़ी गुजर रही है, जहां बड़ी बात तो यह है कि पास से सूचना मिलने पर सक्रियता दिखाते हुए भाजपा नेता रामलखन नाप खेडली ने पीडीएस के चावल से भरी गाड़ी को दबोच लिया है। वहीं गाड़ी पकड़ने के बाद 100 डायल और देहात थाना पुलिस को सूचना दी गई, जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची देहात थाना पुलिस पीडीएस के चावल से भरी गाड़ी को देहात थाने ले आई, जहां खाद अधिकारी सुश्री लवली गोविल के थाने पहुंचने के बाद देहात थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक धाराओं के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 कायम कर मामला विवेचना में लिया, जहां उक्त कार्रवाई में देहात थाना प्रभारी विकास तोमर, सहायक थाना प्रभारी दाताराम मौर्य, सहायक थाना प्रभारी ब्रजेश प्रधान, आरक्षक विजय सिंह प्रधान, आरक्षक धर्मेंद्र जादून, प्रधान आरक्षक अंसार खान, प्रधान आरक्षक चंद्रशेखर प्रधान, आरक्षक अरविंद बघेल, रक्षक गंभीर, आरक्षक राय सिंह रावत, आरक्षक कल्याण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्योपुर से संवाददाता गोविंद की रिपोर्ट। देहात थाने पर चावल से भरी गाड़ी पकड़ी गई थी, उसको लेकर के विभागीय तौर पर क्या कार्रवाई की गई? चावल जो गाड़ी संबंधित व्यक्ति की थी, तो उसमें जो चावल था उसको भी फिलहाल जब्त करवा के देहात थाने में खड़ा करवा दिया है और संबंधित आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज करवा दिया।